बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं तड़के वाली दाल, दाल धोते मूंग और दाल मसर एक पाव, दोनों 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए हैं। जो जो चीज़ें उसमें डलेंगी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च भरा हुआ चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, अदरक पाउडर 1/2 चम्मच, पिसी हुई धनिया 1 चम्मच, साबित गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च 6 अदद, सबज धनिया 3 अदद, कटे हुए टमाटर। तो आप पकाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच लहसुन जाएगा, 1/2 कम या ज्यादा कर सकते हैं आप, कुटा हुआ लाल मसाला, धनिया, साबित गरम मसाला, अदरक पाउडर, हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा और, बस अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मसाला और टमाटर वगैरह हमारा फ्राई हो चुके हैं, सारे मसाले भी। अब इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी के डालेंगे और उबाल आने पर इसमें दाल डाल के प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो बॉयल आ चुके हैं, दाल डालने लगे हैं अब इसमें। बस 10 मिनट बाद मिलते हैं। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखो, अब इसको तड़का लगाएंगे। गैस ऊंची कर दे, ऑयल गर्म हो जाए फिर प्याज फ्राई करेंगे। आप घी का तड़का भी लगा सकते हैं, मक्खन का तड़का भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे, लेकिन हम ऑयल यूज करते हैं।
ब्राउन करेंगे इनको। अब सुर्ख मिर्चें डाल दें इनको, साथ फ्राई कर लें। सिर्फ मिर्चें और प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं तड़के के लिए, और अब हम लगाएंगे तड़का। हरी धनिया डाल दें, पिसा हुआ गरम मसाला और जायके के लिए आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।